छतरपुर में बारिश के चलते एक निर्माणाधीन पुलिया बह गई, जिस कारण छतरपुर पन्ना मार्ग बाधित हो गया। ऐसे में भी लोग जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जा रहे हैं। रात से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह नदी नाले उफान पर आ गए हैं। तेज बारिश से गाठेवरा के पास पीएनसी कंपनी द्वारा फोर लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सड़क पर डायवर्टर निर्माणाधीन पुलिया बह गई है, जिसके चलते छतरपुर से पन्ना का मार्ग बाधित हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। पानी पुलिया के ऊपर से जा रहा है, इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर वाहन निकाल रहे हैं। वहीं जानकारी के बाद भी प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। इस तरह की लापरवाही बरतने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत ज्यादा समय छोटी सी बारिश में छोटे छोटे जो पुल बना रहे हैं जो कौन पीएनसी वाले, तो हर जगह समस्या आ रही है। बरसात में थोड़ी बरसात होती है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी को यात्री या कहीं से किसी को जाना है, आज पन्ना ही जाना था तो वैसे खड़ा हूँ 6 बजे से, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई उनकी तरफ से कि कोई कार सुधार करें। अरे पीएनसी वालों ने ये काम किया कि थोड़ी सी बात में पुल बह गया। हाँ। किस तरह की समस्या हो रही है लोगों को? अरे सुबह 4-5 बजे से जाम लगा है। हाँ। अभी कितना लंबा जाम लगा है? काफी लंबा जाम हो गया। पीएनसी वाले आए हैं अभी तक? कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं आए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।